एक तपस्वी था, उसने एक शिला पर बैठकर, पत्थर पर बैठकर काफी वर्षों तक तप किया। तप करके जब वो वापस दरबार में आया तो न्यायाधीश ने पूछा, उस धर्मराज ने पूछा, धर्मराय ने पूछा कि भाई तपस्वी, अदल करूं के फजल करूं? अदल मीन न्याय और फजल मीन रहम। तो तपस्वी ने कहा कि मैं न्याय चाहूंगा कि मैंने तो तप कराया है डट के। कहने लगा न्याय करो। धर्मराज ने पूछा कि तूने जो तप किया था किस चीज के ऊपर बैठकर किया था? कि शिला पर। वो शिला तेरी है या मेरी? धर्मराज ने पूछा, जिस शिला पर बैठकर तूने तप किया था वो तेरी है या मेरी? अब न्यू कह मेरी है तो लिया क्यों नहीं ठाक है सिर पे? न्यो बोला ना आपकी है। अब मेरी शिला पर तूने बैठकर तप किया, अब बेटा उसका तू मुझे फल दे, उसका तू फल भोग, उसका प्रतिफल क्या कि उस शिला को इतने ही वर्षों तक सिर पर रख ले, ये है मेरा न्याय। जैसा कर्म वैसा वरण, जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। अब उसको सिर पर धर ले और जा सर्प की योनि धार, और इतने वर्षों तक सर्प बनकर उस शिला के नीचे रह, मेरा यू न्याय हो जाएगा, अदल हो गया तुझा। इतना कहती फेंक दिया ठाकर, सर्फ बन गया और इतने वर्षों तक उस शिला के नीचे वो तपस्वी रहा। उसके बाद उसको तप का फल भी, राज भी दिया जाएगा और फिर वो नरक में ठोका जाएगा।